नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। शराबबंदी वाले बिहार में बिहार विधानसभा के परिसर से कल शराब की बोतलें बरामद हुई। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं। सर, जिस विधानसभा से शराबबंदी कानून पास हुआ था उसी विधानसभा परिसर में आज शराब की बोतलें बरामद हुई है, क्या कहेंगे? धीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप अपने चैनल को लेकर के मेरे पास आए हैं। देखिए, आप लोग तो अभी बच्चे हैं, हम लोग को उम्र तो पार हो गया है। जो गलत लोग होते हैं ना, अच्छे लोगों को बदनामी करने के चक्कर में रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले माननीय विधायक जो आरजेडी से बिलोंग्स करते हैं, उनके घर से, उनके होटल से बहुत सारे शराब की बोतलें मिली थी। तो लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्य क्षमता है, कार्य जो कर रहे हैं, चाहे शराब का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे पंचायत लेवल का हो, ये लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जब वहाँ लोग शराबे नहीं पीते तो बोतल कहाँ से आएंगे? तो जो शराब पिए हो जिस होटल में, वहाँ से मिला होगा, रात को फेंक देंगे। किसी की पाबंदी तो नहीं है, झोला में लेकर के आएंगे, अब तो बोतल फेंक देंगे। तो मुझे जो अपना विश्वास है कि उन लोगों ने जो हमारे सरकार के खिलाफ में काम कर रहे हैं, वो अपना मंसूबा को, मतलब कि सक्सेस करने के लिए, जो सक्सेस नहीं हो सकता, उनका मंसूबा फेल होगा, वो करने की कोशिश की है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जांच की बिछाया, जांच में डीजीपी देखे होंगे आप लोग टीवी पे, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी साहब, वो लोग सब लगे हुए हैं। जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आरजेडी विधायक ही इसके पूरे कारनामे के पीछे है? नहीं, मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन हम लोग का शक जो है, मेरा व्यक्तिगत अपना ये है भावना कि जहाँ से, मतलब शराब की बोतलें जिनके यहाँ से मिलता आवाज से, हो सकता है वहाँ खाली बोतल भी होगा, रात को फेंक दिए होंगे, और बदनामी जो है हमारे मुख्यमंत्री को करना चाहते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं जामुन और आम एक साथ मजरता है ना, एक साथ फलता है, फूलता है, लेकिन आम लाल होता है, जामुन काला होता है। उसका कारण क्या है? आम को देख के जामुन काला हो जाता है। अच्छा। तो हमारे मुख्यमंत्री जो अच्छे काम कर रहे हैं, वो किसी को पछता नहीं है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन शराब का छोड़िए, शराब हुआ, स्वास्थ्य हुआ, किसानों के लिए, हित के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं और चाहते कि हमारा बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो। लेकिन ये कुछ लोगों जो है, कुछ लोग जो कुकुरमुत्ते टाइप के लोग हैं, अच्छा, वो हमारे बिहार को बदनाम करने की साजिश रचते हैं कि किस तरह बिहार बदनाम हो। बिहार बदनाम होने वाला नहीं है। बिहार का नाम अभी दुनिया में, भारत को छोड़िए, दुनिया में बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। अच्छा। जी, और पूछिए, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि शराबबंदी का जो फेल होने का कारण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफे तक की मांग कर दी है। देखिए, वो तो कुछ भी बोलेंगे। अच्छा। उनका कोई रोक थोड़ी है, अपोजिशन के नेता हैं। मैं तो इनको यही कहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से सीख लें राजनीति के, राजनीति कैसे किया जाता है। अगर अच्छी तरह से वो भाषा को प्रयोग करें, बार बार मुख्यमंत्री जी को रिजिग्नेशन नहीं मांगे तो उनके ही भला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जितना बोलेंगे, उतना शीशा की तरह, चांदी की तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री चमकेंगे। अच्छा। वो क्या कहते हैं, हमारे तेजस्वी यादव जी से मैं आग्रह करूँगा कि अगर आपको नेता बनना है तो उनसे अनुसरण कीजिए, उनके राजनीति के पीछे पीछे सीखिए। और आज जिस जगह में आप बैठे हैं, वो देन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही है कि आप डिप्टी सीएम बने तो आपको अपने भतीजा की तरह प्यार किया और सिखाया राजनीति का गुर। इसीलिए उनके खिलाफ नहीं बोली, आपसे आग्रह करना चाहूँगा तेजस्वी जी। एक आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान का दावा है कि जो पिछले दिनों अधिकारियों और जो कर्मचारी है बिहार पुलिस के, उनको शपथ दिलाई गई थी, उनका दावा है कि बिहार पुलिस के जो कर्मचारी है उन्हीं के कारण शराबबंदी बिहार में फेल हो रहा है और उन्हीं के हाथ में शराबबंदी को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, चिराग के बारे में भी नहीं कुछ बोलूंगा मैं ज्यादा, सबके बारे में बोलूंगा तो मेरे खिलाफ भी सब हो जाएंगे। चिराग जी को भी मैं आग्रह करूंगा, कसम तो सब खाते हैं, और इसमें से कुछ लोग जो हैं, अब सबके दिल में तो आप नहीं घुसे हुए हैं कि कौन किस तरह के लोग हैं, उस तरह से कुछ लोग होंगे जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं और कसम को जो है ये नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो मैं चिराग जी से भी बोलूँगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप सभ्य व्यक्ति हैं, आपका भाषण में सुना हूँ, कम से कम हमारे नीतीश कुमार के बारे में आप कम बोलें तो अच्छा होगा,
आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो ये थे जदयू सांसद रामप्रीत मंडल। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।